किया जाता है, जमीन काप के कहती है, मालिक जिसने तेरे कुरान की हिफाजत की है, मैं वादा करती हूँ कयामत तक आने वाले की ऐसे ही हिफाजत करती हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह का फरमान, माशाल्लाह, यही सब होता है। लेकिन गलती हमने की है, बुरा ना मानिएगा, मैं आई ना दिखाऊंगा तो आप चेहरे के जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हमने जलील किया कुरान वालों, अल्लाह ने बेपनाह इज्जत दी, लेकिन हम ये चाहते हैं हम इन्हें छोटा कर दें। क्या वजह है? बहुत कम दौलत वालों के बच्चे मदरसों में आते हैं। क्यों क्यों आते हैं कम बच्चे भाई? वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है कि जिनको दौलत का बुखार चढ़ा होता है ना, वही सोचते क्या मिलेगा इसे, 5,000 रुपल्ली, 7,000 रुपल्ली। चैलेंज के साथ कहता हूं, जो 10 लाख कमाता हूं महीने में ना, आके मस्जिद के इमाम से कपड़े मिला ले। क्या बात है, वाह 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 वाह, 7,000 वाले से दामन मिला, देख किसका दामन बेदाग है। आए, आए। खुदा की कसम ये 7,000 में भी साफ रहता है, तू 50 लाख कमा के भी मैला नजर आता है। वजह क्या है? तेरे 50 लाख में बरकत नहीं होती, उसके 7,000 में अल्लाह बरकत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भाई, कसरत में खैर नहीं है, बरकत में खैर। बरकत कैसे देता है अल्लाह जानते हैं, जिनकी 7,000 तनख्वाह है ना, लोग कहते हैं ये कैसे गुजारे कर लेते हैं। बता दूं, तजर्बा करके देखना, जिनकी तनख्वाहें 7,000 होती है ना, तो वो 2 रुपए की पैरासीटामोल से ठीक हो जाया करते हैं। जिनकी तनख्वाहें 50 लाख होती है ना, तो फिर उन्हें बोतल भी 1.5-1.5 लाख की लगा करती है। बेशक 1.5-1.5 लाख की बोतल लग रही है, सादा पैसे वाला तो हिंदुस्तान में ठीक ही नहीं हो रहा है, उसे जाना ही अमरीका है। हाँ भाई, अगर गरीब है, तकलीफ हुई, ज्यादा दुख हुआ, तो उसने 2 रुपए की गोली ले ली, फिर भी नहीं रुका तो इमाम साहब के पास गया, दम कर दो, उन्होंने उठाया कुरान पढ़ के दम कर दिया, या तो 2 रुपए की टेबलेट से ठीक हो जाता या सूरे फातिहा की तिलावत से ठीक हो जाता। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, अमेरिका जा रहे। 2 वजह है, बड़े लोगों का हिंदुस्तान में इलाज क्यों नहीं होता, क्योंकि उन्हें मालूम है हमने रिश्वत लेके इन्हें डिग्री दी, हमने रिश्वत लेके इन्हें डिग्री दी है, और जब रिश्वत लेके MBBS हुए हैं तो पता नहीं इंजेक्शन कहां और किस चीज का लग जाए। हर चीज की डिग्री खरीदी जा सकती है, आप जिस हुनर की चाहे डिग्री खरीद लें, लेकिन कुरान की डिग्री कभी खरीदी नहीं जा सकती। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इसलिए कि इसकी सबसे बड़ी सनद रमजान में सुनाना होता है। MBBS के लिए एक बार एग्जाम में बैठोगे, नकल करके पास हो जाओगे, इंटरव्यू में बैठोगे, पैसे दे के निकल जाओगे, लेकिन ये कुरान सीने में लेने वाले लोग ये पैसे से आगे नहीं बढ़ सकते, ये रिश्वत से आगे नहीं जा सकते, इसलिए कि जब मुसल्ले पे खड़े होते हैं आम ऐलान होता है, जिसका जी चाहे पीछे खड़ा हो जाए, कुरान वही है जो अंत के अलू से लेकर के वन्नास के सीन तक है, ना नुक्ता बदला जा सकता है, ना सबर बदला जा सकता है, ना जेर बदला जा सकता है, बड़ी बड़ी टोपियों वाले आए आकर के चले गए, इसलिए कि ये जो मुसल्ले पे आया है ये रिश्वत से नहीं आया, बल्कि अपनी मेहनत से मदीने वाले की मोहब्बत से आया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, भाई तो कभी ये मत सोचना बड़े लोगों कि 7,000 में क्या होगा, 7,000 ही में गुजारे होने, सुभान अल्लाह, 7,000 ही में गुजारे होने, और तुम देखना इंशाअल्लाह कफन तुम इनसे महंगा पहन के नहीं जाओगे।